है मैंने जो दिन भर में बोलेंगे, एक दिन में तो मैं 40 सिगरेट पी लेता हूँ। बहुत महान काम कर लेते हो भैया, ताली। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है द सस्टेन शॉट्स। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार स्मोकिंग के ऊपर, धूम्रपान के ऊपर। रिसेंटली न्यूजीलैंड की सरकार ने वहां पर स्मोकिंग के ऊपर बैन लगा दिया है। जानेंगे आखिर न्यूजीलैंड की सरकार ऐसा स्टेप्स क्यों उठा रही है, वहां के जो लोकल लोग हैं उनको उन पे क्या असर पड़ेगा इसका, और साथ ही में जानेंगे कि आखिर वहां पर ऐसा हो क्या रहा है जिसके कारण वहां की सरकार को ये स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसा कि आपको पता ही है यार कि जो स्मोकिंग है, धूम्रपान करना, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। स्मोकिंग से कैंसर होता है। तो रिसेंटली न्यूजीलैंड की सरकार ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि भैया वहाँ के जो यंग जनरेशन है उनके लिए स्मोकिंग के ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ की सरकार ने बनाया ताकि वहाँ का जो यंग जनरेशन है वो स्मोकिंग के पीछे ना भागे। क्योंकि मेनली जो उनका जो टारगेट है न्यूजीलैंड सरकार का वो ये है यार कि वो 2025 तक वो चाहते हैं कि उनका जो यंग जनरेशन है वो पूरा स्मोक फ्री रहे, धूम्रपान मुक्त रहे। तो आज उसी का एक्शन प्लान्स के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं यार। तो सबसे पहला तो उनका यही है कि यार वो यंग जनरेशन को जागरूक कर रहे हैं कि भैया टबैको कुछ कूल बनने वाली चीज नहीं है, ठीक है, उसके कारण सेहत में बहुत असर पड़ता है, सेहत का नुकसान होता है। और साथ ही में वहां की सरकार है उन्होंने सिगरेट कंपनीज को, जो मैन्युफैक्चरर है सिगरेट के, उनको उन्होंने बताया है कि भैया आप जो भी सिगरेट बना रहे हो उसमें निकोटीन का जो इस्तेमाल है वो एकदम कम से कम करना है, ठीक है। यानी कि वो चाहते हैं कि ज्यादा निकोटीन की आदत ना पड़े क्योंकि उसी कारण लोगों पर लत लग जाती है। यहां तक कि वहां की सरकार ने ये स्टेप्स उठाया कि 2004 के बाद जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं उनका सिगरेट खरीदना मना है, ठीक है, उस पर बैन लगा दिया गया है। एक मिनिमम प्राइस सेट कर दी गई है कि भैया इतने में खरीदना है तो खरीदो वरना चलते बनो। जो लोग सिगरेट खरीद रहे हैं और जो लोग बेच रहे हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है कि कौन सा बंदा कितना कंजम्पशन कर रहा है सिगरेट का, कौन सा बंदा के पास इतनी ज्यादा सेल हो रही है सिगरेट की। तो मेरे हिसाब से तो यार ये सही है, अगर आदत छुड़वाना है, या कुछ लोग जो सिगरेट कंज्यूम भी कर रहे हैं क्योंकि आदत हो गई है, इतनी जल्दी तो छुट्टी नहीं है। लोगों के बहुत पैसे खर्च होते हैं, पागल हो जाते हैं, रिहैब सेंटर जाते हैं छुड़वाने के लिए, क्योंकि खुद के बस की होती नहीं है एक बार तो स्टार्ट कर दिया कूल बनने के लिए। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर यार वहां पर ऐसा सरकार कर क्यों रही है। सिंपल सा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां की जो सरकार है वो यंग जनरेशन को चाहती है कि वो सिगरेट इस्तेमाल ना करे, टबैको की तरफ उनका इन्फ्लुएंस ना जाए। अब आप सोच रहे हो कि यार इंडिया का तो थोड़ा बता दे, इंडिया में हम लोग तो लेजेंड है भाई, हम लोग अल्ट्रा लेजेंड है। हमारे यहाँ जो सिगरेट पीने के कारण जो डेथ्स होती हैं वो 27,500 से भी पार है, यानी रोजाना 27,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं सिर्फ धूम्रपान और ये टबैको ये सब यूज करने का। आजकल टीवी में नहीं देखते, आजकल लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हाय हेलो नहीं करते हैं। क्या होगा भाई इस देश की जनता का, जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग ही इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसे ऐसे चीज़ों को। इवन कि वहाँ पर जो अपोजिशन वाली जो सरकार है यार वो इसके खिलाफ वहाँ पर विरोध कर रही है। उनका कहना है कि अगर आप ये सब स्टेप्स लेते हो कि सिगरेट को बैन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, तो वहाँ पर लोग इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लोग भड़क सकते हैं, इकोनॉमी पे असर पड़ सकता है। लेकिन वहाँ का जो सरकार अभी करेंटली में की सरकार है उनका ये मानना है कि इकोनॉमी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लोग हैं यार। इकोनॉमी तो बाद में भी किसी और चीज़ से बढ़ जाएगी, लेकिन लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लोगों की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग कुछ और तरीका ढूंढ लेंगे इकोनॉमी बढ़ाने का। तो यहाँ पर आखिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया जिसको सिगरेट पीना है पीने दो यार, क्यों खामखा तुम परेशान कर रहे हो, अच्छा है तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ रही है, क्या दिक्कत है, जो पीने आएगा वो पिएगा ही। सही बात है, जिसको पीना होगा वो किसी ना किसी तरह पिएगा ही, लेकिन वहाँ की सरकार चाहती है कि भैया वहाँ का जो यंग जनरेशन है वो खुद ब खुद इस चीज़ को समझे कि ये कोई कूल चीज़ नहीं है, इसके कारण आपका नुकसान हो सकता है, आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनका नुकसान हो सकता है, कई तरीके की बीमारियाँ होती हैं यार सिगरेट पीने से। तो इसी कारण वहाँ की जो सरकार है वो चाहती है कि भैया किसी ना किसी तरीके से हम लोग सिगरेट का जो कंजम्पशन है, जो हमारी जो जनता कर रही है कंजम्पशन, उसको कम किया जाए। यहाँ पर आप आजकल देखते ही हो कि इंडिया में तो आजकल इसका चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। बॉस ने गाली दी, चल भाई सिगरेट, गर्लफ्रेंड से गुस्सा है, चल भाई सिगरेट, माँ बाप ने गाली दी, यार सिगरेट पिला दे, तो ये सब सीन तो चलता ही रहता है। बहुत से लोगों का जब इन्वायरमेंट बदला, जब वो स्कूल से कॉलेज में गए तो सिगरेट, बहुत से लोगों का ये कहना रहता है भाई मैं तो स्कूल में नहीं पीता था लेकिन कॉलेज में मुझे पीना है। पता नहीं कुछ लोग इसको बहुत महानता का टैग देते हैं कि अरे यार स्कूल में नहीं पीता था कॉलेज में पी रहा है, वाह क्या महान काम कर रहा है, अवार्ड दो इसको। कोई कुछ नहीं कर रहे भाई, तुम अपनी सेहत बिगाड़ रहे हो और साथ
में जो तुम्हारे जो लोग हैं ना उनको भी तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ट्राई करो जितना जल्दी हो सके ये सब सिगरेट वगैरह जो भी है ना, गुटखा तंबाकू ये सब का सेवन कम करो। मैं ये नहीं बोलता कि तुरंत एकदम बंद कर दो, लेकिन उसको धीरे धीरे कम करो। बहुत देखा है मैंने जो दिन भर में बोलेंगे एक दिन में तो मैं 40 सिगरेट पी लेता हूँ, बहुत महान काम कर लेते हो भैया। ताली। आज तुम मजा ले रहे हो, कल वही चीज सजा बन जाएगी तुम्हारे लिए भी और तुम्हारा जो आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी। अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं बोल सकता कि पता नहीं सरकार क्या एक्शन ले, कुछ प्लान करे, कुछ सीखे समझे, क्योंकि मेरे को हर एक चीज में ना सरकार को इन्वॉल्व करने से फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार रूल रेगुलेशन बना भी देगी लेकिन समझना लोगों को है। इसलिए मैं मेरे कोई भी टॉपिक जो रहता है उसमें मैं सरकार को हमेशा नहीं घसीटता हूँ, क्योंकि फायदा नहीं है उधर किसी को कुछ बोल के, क्योंकि मेरी बात आपसे हो रही है, आप समझो ये आपके लिए नुकसानदायक। ट्राई करो कम करने का यार। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। यार आप क्या इस मुद्दे के बारे में सोचते हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, और अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो वहां हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना यार, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।